थी जेन, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज़। स्वामी न्यूज़ के लंच टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम और ताजा खबरें। लगातार ऑनलाइन ठगी की वारदात बढ़ती जा रही है। इसी क्रम के तहत फर्जी कस्टमर केयर बनकर 191,000 की ठगी का मामला क्लॉक टावर थाने में दर्ज हुआ। फर्जी कस्टमर केयर बनकर 191,000 हड़पने का मामला सामने आया। क्लॉक टावर थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पटेल नगर तोपड़ा निवासी विपिन गुप्ता ने थाने में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई कि उनके खाते से फर्जी कस्टमर केयर बनकर रकम निकाल ली गई। इस संबंध में पुलिस मामले की जांच कर रही है। विपिन गुप्ता पटेल नगर तोपड़ा का रहने वाले ने एक थाने पर उपस्थित होकर एक शिकायत इस बाबत दर्ज कराई थी कि मेरा ICICI बैंक में अकाउंट है और उसमें अकाउंट में मैसेजेस वगैरह नहीं आ रहे थे। इस कारण उसने गूगल पे कस्टमर केयर नंबर सर्च किया और कस्टमर केयर नंबर सर्च करके उसने वहाँ कंप्लेंट दर्ज कराई। तब फर्जी जो कस्टमर केयर था वहाँ से इनको कॉल आया कि आपके हम जो आपकी समस्या है वो दूर कर देंगे, आप एनी डेस्क ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। तो इसने ठगों के कहने के अनुसार एनी डेस्क जो ऐप है वो डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद में वो जैसे जैसे वो कहता गया वैसे वैसे करते रहे। इसने अपने सारी डिटेल, अपने अकाउंट की डिटेल और OTP वगैरह सब दे दिए। इस कारण से उसने 2-3 पेमेंट्स गेटवे में इसने करीब 191,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा प्रदेश में हुई दलितों की हत्या के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश में दलितों की हुई हत्या के विरोध में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा कलेक्ट्रेट पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। मोर्चा के पदाधिकारी ने बताया कि जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और मासूम बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। मोर्चा के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि हत्या के 3 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए। आज हमने ये जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है ये निकम्मी और गैर जुमारान सरकार है। दलितों के खिलाफ 3 साल इन्होंने ऐसे निकाले हैं कि पूरे भारत में 1 नंबर पर ये सरकार दलितों की अत्याचारी सरकार है। इस सरकार के नेतृत्व में बहुत सारे दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और अपराधी खुलेआम घूमते हैं, उनको कोई डर नहीं है। इस सरकार का कोई डर नहीं है क्योंकि गृह मंत्री जी को वोट बैंक बनाना है, इस कारण वो आए दिन अत्याचारों पर ध्यान नहीं देते हैं और दलितों के ऊपर जो घटनाएं हो रही हैं उस पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। इस बात को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया महामहिम के नाम और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कानून व्यवस्था सुधरे, अन्यथा कुछ ही दिनों में पूरे राजस्थान में अनुसूचित जाति मोर्चा एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा, उसमें जो भी खामियाजा होगा वो राजस्थान सरकार को भुगतेगा। नवरात्रि पर्व के अवसर पर महाराष्ट्र मंडल में बंगाली समाज द्वारा माँ दुर्गा की भव्य आरती की गई। इस दृश्य को स्वामी न्यूज के लाइव के माध्यम से दिखाया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वामी जी चैनल के फेसबुक पेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम हैं कचहरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में और यहाँ पर बंगाली समाज की जो विशेष पूजा अर्चना जो नवरात्रों के दिनों में होती है वो आज से प्रारंभ हो चुकी है। कल छठ का दिन था, षष्ठी का दिन था, कल जो है माता के मूर्ति की स्थापना करी गई और आज सप्तमी के दिन से विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। स्वामी जी चैनल के फेसबुक पेज के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार की विशेष पूजा इनकी होती है। माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ हनुमान और श्री राम की आराधना भी की जा रही है। इसी के तहत रामायण के सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया गया। Yeah.
स्वामी न्यूज के योगा व स्वास्थ्य कार्यक्रम में योगाचार्य द्वारा गोधन के अर्क के महत्व के बारे में बताया गया। गोधन अर्क का क्या महत्व होता है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, क्या इसके लाभ हैं और इसके प्रयोग में क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। हमारे शरीर में बहुत सारी गंदगी होती है, बहुत सारा टॉक्सिन्स डिपॉजिट होता है। यदि हम टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दें तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, गंदगी बाहर आ जाती है। इसका प्रयोग करके देखते हैं कैसे हम इस पानी की पहले अशुद्धियां दूर होती हैं, उसके बाद हम अपने शरीर की भी शुद्धि कर सकते हैं, अपने शरीर से भी अशुद्धियों को भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए दोनों की दोनों साफ गिलास हैं पानी के, बिल्कुल इनमें कुछ भी रंग नहीं है, आप सामने देख पा रहे हैं, जो भी है इसके आर पार जमीन दिख रही है, आर पार मेरे हाथ भी दिख रहे हैं। रंग होता तो ऐसा नहीं होता। अब मान लीजिए कि हमारे शरीर में कुछ गंदगी है, ये पानी को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा शरीर है, ये अंदर से हमारी अंतड़ियां हैं, आते हैं, हमारा एब्डोमिनल पार्ट है, हमारा पेट है। ये बीटाडिन नाम की एक दवाई भी मिलती है बाजार में, जो पट्टी बांधते हैं तो उस समय लगाई जाती है। तो आपको थोड़ा देर के लिए उपयोग करके इसका बता रहे हैं कि थोड़ी सी यदि मान लीजिए बीटाडिन आपने इसमें डाल दी इस पानी के ग्लास में, तो ये इस तरह से पानी का ग्लास पूरा ऐसा बन जाएगा जैसे कोई पूरा रंग डाल दिया हो। इसको यूं गोल गोल घुमा के देख लेते हैं, ये देखिए पानी फैला भी तो उसी रंग का फैला। आप समझिए कि ये हमारे शरीर की स्थिति है, हमारे आंतों की, हमारे पेट की स्थिति है इस तरह की, और हमें बनानी चाहिए इस तरह की, ऐसे साफ सुथरे धवल पानी की तरह बनानी चाहिए। तो गोधन अर्क, इसको गाय का मूत्र जिसको हम गोधन अर्क कहते हैं, अर्क के रूप में फॉर्म में आता है, अर्क फॉर्म में आता है, ये गोधन अर्क मिलता है बाजार में, आसानी से मिल जाता है, बहुत सारे अलग अलग फार्मेसी वाले रखते हैं। यदि इस गोधन अर्क का थोड़ा सा भाग इसमें एक चम्मच लिया जाए और उसको यदि हम इस ग्लास में डाल देवें, आप सब लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ग्लास में डाल दे रहे हैं, और इसको जैसे ही इसमें डाला थोड़ी सी मात्रा में और डाल दिया, क्योंकि पानी ज़्यादा है इसीलिए थोड़ी सी मात्रा में और डाल दिया, आप देखो बिल्कुल आर पार दिखने वाला फिर से हो गया। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरे, भीतर तो छिपा महाकाल है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरे, भीतर तो छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरि सा भाल तेरी, भ्रिकुटी में तांडव की ताल है। निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान तेरी, वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, आ भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।